बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फिरस मैं ज़ुबैदा हूँ देसी किचन के साथ। आज मैं एक ट्रफल बनाने वाली हूँ। ये मैंने दूध ले लिया है, तकरीबन एक लीटर दूध ले लिया है। तो अब मैं इसे गर्म करने के लिए रखती हूँ। जैसे ही इसे उबाला आएगा, इसमें मैं ये आगर पाउडर डाल दूँगी, फिर आगे आपको बताती जाती हूँ सब। फिरस ये मेरे पास आगर पाउडर है। अब ये इसमें मैं दूध में ऐड करने वाली हूँ। जेलेटिन भी कहते हैं और आगर भी कहते हैं। ये मैंने सारा ऐड कर दिया इसमें। जैसे ही दूध को उबाली आती है, इसे ऐड कर देते हैं। फिरस ये इसमें मैंने शक्कर ऐड कर दी है, आधा कप। फिर ये छोटी सी एक ट्रे है, इसमें मैं ये मैंने रूह अफ़ज़ा डाला है। इसमें ये मैं अब सेब ऐसे मैंने काट के रखे हैं, ये सेब मैं अब इसमें ऐसे लगा दूंगी। बस ये मैंने सेब इसमें लगा दिए। अब इसमें मैं तीन रंग की मैंने जली बनाई हुई है, वो मैं लगाऊंगी। बिकॉज अब मैं ये रेड वाली जली है इसमें लगाने लगी हूँ ऐसे। अब ये ग्रीन जली है, ये मैंने पहले से जमा के रख दी थी। अब ये येलो वाली जली है। अब जैसे ये दूध गर्म हो जाएगा तो फिर मैं दूध इसमें ऐड कर दूंगी। प्यारी सी जली में अब ये मैं जेलेटिन वाला दूध ऐड कर रही हूँ। माशाल्लाह से लुक बहुत अच्छी बनी है। अब मैं इंशाल्लाह इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ूंगी, तो फिर मिलते हैं। बस ये देखें, मेरी ट्रफल जली तैयार हो चुकी है। 2 घंटे हो गए इसे मैंने फ्रिज में रखा था। अब मैं डिश आउट करती हूँ। बस देखें कैसे मज़े की लगती है और खुशबू भी मज़े मज़े की आई है। तो मेरे देसी किचन को सब्सक्राइब भी करें, बेल का बटन भी दबाएं और इंशाल्लाह मेरी वीडियो आपको टाइम पे अगली भी मिलेगी। आप जहाँ भी हैं, खुश रहें, खुशहाल रहें, आज़ाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।